दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों संवाद नंबर 77 आया हुआ है और यह है 22/12/2020 यानी कि आज ही का है। यह है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। एक से अधिक सत्र यानी कि एक से अधिक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा। तो ये दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बाद ही चला है और ये आपको याद होगा दिनांक 15/2/2020 यानी कि आयोग ने 16 फरवरी 2020 का जो वो दिन था दोस्तों जिस दिन फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी और उससे पहले आयोग ने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। 2 पालियों में अगर परीक्षा होती है या 2 से अधिक जितनी भी पालियों में अगर परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में उस टाइम बताया था। तो ये फॉरेस्ट गार्ड अभी जो क्योंकि कई लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसका परिणाम कैसा आएगा, तो ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रारंभ होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह परीक्षा की जा रही कि कई शिफ्ट में आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं का परिणाम किस प्रकार तैयार होगा। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा पूर्व में कार्यालय ज्ञापन 15/2020 यानी कि इसका हवाला देकर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसका सूत्र फॉर्मूला भी जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक इतना इतना के प्रति सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस आशय से संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित की जा रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी इसी प्रक्रिया तथा सूत्र फॉर्मूला के आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से परिणाम जारी किया जाएगा। जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो ये उस टाइम का है जिस टाइम फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आई थी, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना है। तो अभी दोस्तों इसका रिजल्ट तो नहीं आया, अभी SIT की जाँच पूरी नहीं हुई है, बहुत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। तो बहुत से 1218 पद हैं दोस्तों, बहुत से लोगों की किस्मत बदल सकती है इसमें। तो अभी SIT की रिपोर्ट दोस्तों संभव है कि पुलिस ने समय मांगा है तो जनवरी माह तक रिपोर्ट शायद पूरी हो जाए, उसके बाद ही इसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो सकता है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, ये है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।